अगर आपके इसमें अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करें, मतलब कैसे अपने फ़ोन के साथ पेयर या बाइंड करें और कौन सी ऐप को इंस्टॉल करना होता है, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहे। इस स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के साथ बाइंड या पेयर करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप ये करना होगा, आपको प्ले स्टोर में जाके आई वॉच प्रो वाली ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ आई वॉच प्रो, तो आपको ये वाली ऐप दिख जाएगी प्ले स्टोर में, आप इसको इंस्टॉल कर लें। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको ओपन करें और ये आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेगा, आपको उसको एग्री करना पड़ेगा परमिशंस वगैरह के लिए। उसके बाद ये आपको अगेन ये रिक्वेस्ट करेगा आपके लोकेशन के लिए, तो आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सेट पे जाना होता है। अब सेट पे जाने के बाद आप देखेंगे बाइंड डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर्स वाला ये आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। अभी स्कैन करेगा आपकी स्मार्ट वॉच को और अगर आपकी स्मार्ट वॉच इसके पास ही रखी होगी तो आसानी से ये पेयर या बाइंड हो जाएगी। जब भी आप ये वाला पेयरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, मेक श्योर रखें कि आपकी स्मार्ट वॉच एक तो ऑन हो प्लस आपके स्मार्टफोन के साथ पास में ही रखी हो। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे भी कनेक्ट होगा तो चारों चीज़ें जो है वो कम्प्लीट में चेंज हो जाएंगी। तो ये स्मार्ट वॉच इस फ़ोन के साथ बाइंड हो गई है। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे उसके नंबर जो है ट्रैकिंग वगैरह वाले सारे यहाँ पे नंबर शो करना स्टार्ट कर देगा। और बाकी अगर आप कुछ और भी चेंज करना चाहते हैं तो इस ऐप के थ्रू वो सारे फीचर्स वगैरह इसमें अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपके में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।